साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग में नाटक। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान साहित्य रूप बन गया था, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गईं। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया है। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। इस काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंददास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उग्र ने महात्मा ईसा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क तथा भुवनेश्वर प्रमुख हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इसी समय एकांकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटक का भी। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है और प्रेमी जी का मुस्लिम काल। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों पर अपने समय अर्थात 20वीं शती की समस्याओं का पूरा प्रभाव है। उनके नाटक राष्ट्रीयता, अतीत गौरव की भावना से पूर्ण हैं। सांप्रदायिक एकता, विश्व बंधुत्व की भावना भी दिखाई पड़ती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय भावना भी कह सकते हैं। 1931 में लिखे गए चंद्रगुप्त में एक ओर तो राजनीतिक चालें और चाणक्य का सूत्र संचालन है और दूसरी ओर उसका इन सब से विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्द्वंद्व तो आ ही गया है, शील वैचित्र भी आ गया है। 1928 में लिखे गए स्कंदगुप्त की देवसेना ठेठ छायावादी पात्र है। प्रसाद के नाटकों में उनका कवि मुखर है। उनके कुछ श्रेष्ठ गीत इन नाटकों में यत्र तत्र दिखलाई पड़ते हैं। प्रसाद नारी रूप के विश्वसनीय जानकार हैं। भारतीय नारी के शोषण के प्रति क्षोभ को ही व्यक्त करने के लिए उन्होंने 1933 में ध्रुव स्वामिनी लिखा, जिसमें कायर पति को त्याग कर एक प्राचीन हिंदू रानी अपने देवर का वरण करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसाद इस नाटक के द्वारा उचित कारण होने पर पुनर्विवाह के विधान को उचित ठहरा रहे हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के शिवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध हैं। श्री प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है और रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक जनश्रुति पर कि मेवाड़ की महारानी कर्मवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। सेठ गोविंददास के कर्तव्य में
राम और कृष्ण दोनों के चरित्रों को एक ही नाटक में गूंथ दिया गया है और दिखाया गया है कि राम लोक हित का पालन मर्यादा के द्वारा करते हैं और कृष्ण अपनी अवसरानुकूल रणनीति द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत का सबसे प्रसिद्ध नाटक राजमुकुट है, जो पन्ना धाय के अपूर्व त्याग की कथा पर आधारित है। उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक आधार लेकर राधा, विश्वामित्र और मत्स्य गंधा आदि रीति नाटकों की रचना की। हिंदी नाटक को एक नया मोड़ लक्ष्मी नारायण मिश्र ने 1932 में मुक्ति का रहस्य और 1934 में सिंदूर की होली लिखकर दिया। दोनों समस्या नाटक हैं। समस्या नाटक से तात्पर्य ठेठ समकालीन जीवन की समस्याओं से है, जो बहुत कुछ व्यक्ति के मनोजगत से संबद्ध है। इनमें भावुकता से भरसक बचा गया था। हास्य रचनाकार जीपी श्रीवास्तव नाटकों के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। उन्होंने अनेक प्रहसन लिखे, जिनमें से दुमदार आदमी अधिक प्रसिद्ध है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिशील रचनाकारों का ध्यान नाटकों की ओर भी गया। 1939 ईस्वी के आसपास जन नाट्य संघ यानी इप्टा की स्थापना हुई। इसमें अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मी शामिल हुए। ये जन नाट्य संघ अपने आप को जन क्रांति से जोड़ता था। इसने अनेक भारतीय भाषाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कराया और मौलिक नाटकों की रचना को भी प्रेरित किया। बलराज साहनी के नाटक मशाल और जादू की कुर्सी, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ, अश्क का तूफान से पहले और शील के नाटक बेकारी, संघर्ष, किसान जन नाट्य संघ द्वारा अभिनीत किए गए। इस दौर में एकांकी नाटकों का प्रचलन बढ़ा। प्रसाद के एक घूंट को अनेक विचारकों ने एकांकी कहा। रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर आदि ने एकांकी साहित्य की श्रीवृद्धि की। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक तोले अफीम की कीमत, 10 मिनट, स्वर्ग का कमरा आदि प्रसिद्ध एकांकी हैं। अश्क ने चरवाहे, लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, पहेली आदि लिखे। भुवनेश्वर के अधिकांश एकांकी विकृत स्थितियों को लेकर लिखे गए हैं। स्ट्राइक, प्रतिभा का विवाह उनके उल्लेखनीय एकांकी हैं। एकांकी विधा की उपयोगिता रेडियो का प्रचार होने के बाद और बढ़ी, क्योंकि वहां निश्चित समय में ही संवाद और ध्वनि के द्वारा नाटक पूरा कर देना होता है। आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग में नाटक। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अखिल मित्तल और लोचनी अस्थाना। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।